हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में जरूर आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 2 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 3 अरब अमेरिकी डॉलर या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ मिलकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम जान लेते हैं कि SBI के CEO कौन है। तो SBI के CEO हैं अभी दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये धरनी पोर्टल है क्या, तो आइए जानते हैं। धरनी पोर्टल एक तरह की एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो धरनी पोर्टल को राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र NIC ने विकसित किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तेलंगाना राज्य की लगभग 1,45,000 एकड़ जमीनों का रिकॉर्ड इस धरनी पोर्टल में राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ताइवान। जी हाँ, अब इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जी हाँ, चाइना दुनिया में सबसे ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा केंद्र का निर्माण कर रहा है और चीन यह डाटा केंद्र तिब्बत में स्थापित करने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाटा केंद्र होगा और इस परियोजना पर चीन करीब 11.8 अरब युआन या 1.80 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिकन सेना, ऑप्शन बी चीनी सेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय सेना। जी हाँ, भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। और अब ये है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए एक इंटरेस्ट मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, जिसे सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम दिया गया है। और साई ऐप मतलब SAI ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही है और यह व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और SAI ऐप को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 600 रुपये में, मात्र 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। और UP में अब 600 रुपये में ही, सिर्फ 600 रुपये में कोरोना टेस्ट होगा। और कैंसर जैसे गंभीर मरीजों के लिए और भी इसका रेट कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया और भारत दोनों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस राष्ट्र की सशक्त सेना से 11,000 कोल्ड वेदर
क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी जापान या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। जी हैं जी हाँ, भारत ने अमेरिका से 1000 कोल वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। भारत लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका और यूरोप से सर्दियों के कपड़े और वॉरफेयर किट खरीद रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल या फिर ऑप्शन डी 2 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट है क्या? तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का फंड है जिससे लोन आमतौर पर कारोबारियों मतलब बिजनेसमैन कंपनियों या फिर सरकारी संस्थानों को दिया जाता है और ये लोन बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा दिया जाता है। और याद रखिएगा लाइन ऑफ क्रेडिट विशेष गतिविधियों के लिए ही उपलब्ध होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। ऑप्शन ए EOS-4, ऑप्शन बी EOS-3, ऑप्शन सी EOS-2 या फिर ऑप्शन डी EOS-1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी EOS-1। जी हाँ, उपग्रह EOS-1 का 7 नवंबर को इसरो द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसरो इस साल अपना पहला सैटेलाइट नवंबर में लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को दोपहर 3:02 पर लॉन्च किया जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका बेंगलुरु में है। और इसरो के चेयरमैन अभी कौन है, तो इसरो का चेयरमैन अभी है के सिवान। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 1 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं ज़रूर लाभदायक होगा और एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस का आंसर याद रखिएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो का सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आता है वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।